नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रत्येक न्यूज लाइव और मैं हूं अश्वनी। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। अभी हम मौजूद हैं बिथान प्रखंड क्षेत्र में, समस्तीपुर जिले के बिथान प्रखंड क्षेत्र में, जहां कि दसवें चरण में 8 दिसंबर को मतदान होना है। हम आपको एक ऐसे उम्मीदवार से मिलवाएंगे जो कि युवा हैं, शिक्षित हैं, और ये इस बार बिथान प्रखंड के कराची पंचायत से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, प्रभात कुमार। प्रभात जी, आपका प्रत्येक न्यूज लाइव में स्वागत है। धन्यवाद आपका। सबसे पहले आप अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में दर्शकों को बताएं। जी, मेरी प्राइमरी स्कूलिंग विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल पिरोड़ा पूर्णिया से हुई है, और ट्वेल्थ मैंने GGON का पब्लिक स्कूल दिल्ली से करा, और मैंने अपनी वकालत की पढ़ाई MET यूनिवर्सिटी नोएडा से करी है, और मैं अभी वकालत को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। राजनीति में आने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? जी, मेरी माता श्री पिछले 15 साल से प्रमुख हैं, और वो काम वाम कर रही हैं इस चीज़ को लेके काफ़ी, और मैं वकील होने के कारण मैं देख भी रहा था, तो अगर इन दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलते हैं तो वो काफ़ी आसान हो जाता है लोगों की मदद करना, तो मैं इसी चीज़ को लेके आगे सोच रहा था। पहली बात, आप चुनाव लड़िएगा पंचायत चुनाव, जो कि काफ़ी टफ माना जाता है, लोगों से घर घर जाकर, एक एक घर जाकर मिलना, उनकी समस्याओं को सुनना, जबकि आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो कैसे ये संभव होगा? जी, कराची पंचायत के लोगों का आशीर्वाद है, और उसके बाद यहाँ के जो युवा चेहरे हैं वो मदद कर रहे हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनसे बात हो रही है, उनका आशीर्वाद है। हम उनको जागरूक कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे जो दिक्कतें हैं, बेसिक दिक्कतें हैं, उनको हम आगे ख़त्म करेंगे इन चीज़ों को लेकर। अब जनता के पास वोट मांगने जाइएगा, किन किन मुद्दों को लेके जाइए? विकास का मुद्दा होगा, या फिर आपके जो माता हैं पिछले 15 साल से प्रमुख हैं उनका चेहरा लेके जाइएगा? नहीं नहीं हम विकास का मुद्दा लेके आगे जाएंगे। जो बेसिक डेवलपमेंट आनी चाहिए थी अभी तक, वो हमारे कराची पंचायत तक पहुंची नहीं है। जो लाइट आनी चाहिए थी, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड होना चाहिए था, स्कूलिंग सही से होना चाहिए था, आंगनवाड़ी वाला जो है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, वो कुछ नहीं पहुंचा अभी तक ढंग से। तो हम इन चीज़ों को लेके जाएंगे चुनाव में, इन बेसिक जो ये हैं इनको आगे हम मुद्दा लोगों के सामने रखेंगे, और इन चीज़ों पर हम चुनाव के लिए बात करेंगे। लोगों से जो हम आशीर्वाद मांगेंगे चुनाव के लिए, इन चीज़ों के ऊपर मांगेंगे। गाँव में, पंचायतों में आमतौर पर देखा जाता है कि लोग आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं, और ये मामला धीरे धीरे थाना पहुंचता है, थाना से फिर कोर्ट तक जाता है, और ये लंबा मामला खिंचता चला जाता है। आप वकालत की पढ़ाई कर चुके हैं, वकालत कर रहे हैं, तो आप क्या चाहेंगे अपने स्तर से, पंचायत स्तर पर इसका कैसे निदान कर पाएंगे? जी, अगर लोग हमारे पास इस चीज़ के लिए आते हैं, अगर जेन्युइन मामला है, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस वाले केसेस होते हैं, जो शादी के बाद छोड़ देते हैं, ये सब केसेस रहते हैं, तो हम उनकी मदद करेंगे और लोगों को समझाएंगे, जो आपसी झगड़ा वगैरह है उनको ना करें, और अगर जहाँ तक होगा हम कोशिश करेंगे उनका कोर्ट में जाने से पहले ये चीज़ें निपट जाए, क्योंकि वहाँ जाने के बाद पैसा खराब होता है, टाइम खराब होता है, काफ़ लोगों को मानसिक परेशानियाँ होती है, वो चीज़ें 20-20 साल तक खींचती है जिनका निदान नहीं मिल पाता है टाइम से। तो हम कोशिश करेंगे कि जब ये चीज़ स्टार्टिंग में कोई हमारे पास आता है तो हम उनको सही दिशा निर्देश दे के उस चीज़ को स्टार्टिंग में ख़त्म करने का वो करेंगे, प्रयत्न करेंगे। सरकार पंचायतों में विकास के लिए काफ़ी फंड देती है, लेकिन इन फंडों का सदुपयोग पंचायतों में नहीं हो पाता है, भ्रष्टाचार काफ़ी देखा जाता है, लोगों की रहती है ये शिकायत की, घूसखोरी की ये बात होती है, तो आप इन सब चीज़ों से कैसे निपटेंगे? जी, हमें जब हमें आशीर्वाद लोगों को अगर हमें मिलता है, अगर मैं मुखिया बनता हूँ, तो मैं अपने कार्यकाल में ट्रांसपेरेंसी लेके चलूँगा। लोग आएंगे, सारे रिकॉर्ड्स आज की डेट में पब्लिक होता है, आप एक RTI डाल के पता कर सकते हैं कि आपके प्रतिनिधि ने कहाँ पैसा खर्च करा है। तो आप आइए, काम देखिए, जो अगर आपको लग रहा है कि ये पैसा, आप एक RTI डालिए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको इस चुनावी कैंपेन में अपनी माँ का कितना सहयोग मिलेगा? जी, उनका पूरा सहयोग रहेगा इस चीज़ में, उनके आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कराची वासियों से कोई खास अपील? जी, मैं उनसे कहूँगा कि अपना आशीर्वाद बनाए रखे, कि एक बार मौका दे के देगी मुझे, और जो विकास का काम होगा मैं सारा करूँगा, मैं लोगों को निराश नहीं करूँगा,